लोग पिछले 6 साल से किराएदार आंदोलन चला रहे हैं। आज पहली बार लोकतंत्र के रास्ते से हमने पर्चा दाखिल किया है और मुझे उम्मीद है दिल्ली की जनता मजदूर किराएदार विकास पार्टी को सपोर्ट करेगी और संसद में अपनी आवाज़ उठाने के लिए भेजेगी। अब इतने टाइम से जो है जिले में काम कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं पूरी, तो क्या इस बार क्या मुद्दे हैं, आप क्या उठा रहे हैं? मैंने बताया नहीं कि बहुत सारे मुद्दे तो हैं जनरल, जैसे खजूरी के पास जो अंडर पास बनना चाहिए, और भी स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल हैं, बारात घर हैं। इन सब चीज़ों के अलावा जो हमारा मेन फोकस है वो है मजदूरों और किराएदारों के लिए उनका विकास करना। आपके लोकसभा में कितने किराएदार होंगे, आंकड़ा होगा कितने, और वोटर हैं या केवल किराएदार हैं? नहीं नहीं, और लोगों से भी है, लेकिन किराएदार समाज थोड़ा, हम किराएदार समाज नहीं, हमें ये पार्टी बना के दिया है तो उनका ज्यादा जोर थोड़ा रहेगा। आसमान जी, पुराने जो एमपी हैं, रहे हैं, ये बड़े-बड़े दावे के हैं, क्या लगता है कि उन्होंने कुछ काम किया है या सिर्फ के दावे सिर्फ हवा ही हैं? वो तो कभी दिखाई नहीं दिए, वो नाचने गाने वाले लोग कहाँ देश का विकास करेंगे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से और आग्रह करता हूँ जनता से कि ऐसे लोगों को जो बहुत हाई फाई चीजें हैं, ब्रांडेड चीजों को नकारें, क्योंकि ब्रांडेड चीजें शोरूम में सजती है, जनता के लिए काम नहीं करती। इस बार चौकीदार कौन होगा? ये चौकीदारों का तो नाम खराब कर रखा है मोदी जी ने, इसलिए चौकीदार से ज्यादा सेवक चाहिए इस देश में, जनता की सेवा कर सके ऐसे लोग चाहिए। पासा जी, क्या क्या मुद्दे हैं आपकी पार्टी के? मुद्दे जैसे कि मैंने बताया कि मुद्दे हमारे जो बाकी जनरल मुद्दे हैं, उसके अलावा जो है खास तौर पे किराएदार समाज, रेडी पटरी वाला, रिक्शा वाला, इनका विकास होना जरूरी है, तभी देश का विकास होगा। कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? हम 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। पूर्ण राज्य की बात करते हैं केजरीवाल, क्या वो होना चाहिए पूर्ण राज्य? ढोंग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर इनका पूर्ण राज्य की लड़ाई सही है तो इन्हें 543 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए, तभी बड़ा संशोधन करके पूर्ण राज्य मिल सकता है। ये केवल लोगों को पागल बना रहे हैं, दिल्ली की जनता को, इससे पूर्ण राज्य होने वाला नहीं। 7 सीटें जीत भी जाए तो भी इनकी औकात नहीं, ये पूर्ण राज्य बना लें। सुबह कहते हैं कि समझौता कर लेंगे, शाम को मना कर देते हैं, क्या ढंग चल रहा है इनका? केवल लोगों को बलगलाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ये कांग्रेस और ना ये आम आदमी पार्टी वाले आपस में करने वाले हैं। हाँ, ये है कि कांग्रेस का नाम ले ले करके थोड़ा नाम कर दिया कांग्रेस का, बाकी कुछ नहीं होने वाला इनसे। किससे टक्कर लगती है आपको, कांग्रेस बीजेपी? मेरा टक्कर किसी से नहीं है जी, सबका टक्कर मेरे से ही है। ये जो मजदूर किराएदार विकास पार्टी, ये इसी से सभी का टक्कर है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मजदूरों के लिए ये पार्टी इस तरह का? भाई 80% लोग मजदूर हैं, 20% लोगों के पास ही सारा पैसा है, तो हम तो जाहिर सी बात है। मीडिया के लिए भी कुछ मुद्दे हैं? मीडिया के लिए हमने सोचा है, क्यों, अगर हमारी हमारे लोकसभा में लोग संसद जीत के आते हैं तो जो सोशल मीडिया वाले हैं, जैसे साप्ताहिक अखबार हैं, छोटे और मझोले अखबार वाले हैं, उनकी सहायता करेंगे और उनके परिवार वालों को अनहोनी हो जाने पे, भगवान न करे ऐसा हो, पर किसी तरह की कोई बात हो जाने पे 5 लाख रुपए ऑन द स्पॉट उनके घर वालों को मिले। दिल्ली में कितने सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं? हम 7 सीटों से लड़ रहे हैं चुनाव। सब्सक्राइब करें।